नमस्कार साथियों, आज जो मैं सिद्धांत आपके लिए लेके आया हूँ वो है व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत, बिग फाइव फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि कॉस्टा मैक्री के द्वारा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये दिया गया है पॉला कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा। सो द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैज टेकन एन इंटरेस्टिंग टर्न इन रीसेंट ईयर्स। वी हैव सीन द देयर आर टू थ्योरीज, वन वी हैव सीन ऑफ द 16 पीएफ थ्योरी ऑफ द कैटल एंड द कंटिन्यूम थ्योरी ऑफ द आइजेंग, एंड दिस इज द न्यू टर्न आउट ऑफ दीज थ्योरीज। द कॉस्टा एंड मैक्रे हैव एक्चुअली कॉर्डन ऑफ दीज ऑल थ्योरीज इन टू फाइव बिग फैक्टर्स। जो अभी हमने कंट्रोवर्सीज देखी बड़ी सारी व्यक्तित्व के बारे में, कि कैटल उसके लिए कहते हैं और फिर अलग अलग तरीके से आइजेंक उसके लिए सातत्यता बताते हैं, कैटल उसके लिए 16 कारक सिद्धांत देते हैं। इनका आधार बनाकर कॉस्टा और मैक्रे ने सारे ट्रेड्स को एग्जामिन किया और फाइव फैक्टर्स दिए। सो कॉस्टा एंड मैक्रे हैज एग्जामिन्ड Costa and Macrae has examined all possible personality traits. Their finding indicate a set of five factors. So what we see, Costa और Macrae ने सभी संभावित व्यक्तित्व विशेषताओं की जांच कर पांच कारकों के एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी। इनको बृहत पांच कारकों के नाम से जाना जाता है। They are called big five factors. अब अगर हम इन कारकों को देखें तो ये कारक कौन से हैं? ये जो दीज फाइव फैक्टर्स इंक्लूड, ये जो पांच कारक हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है ओपननेस, खुलापन, संचेतना बहिर्मुखिता एग्रीएबलनेस यानी मानना और मनाना, और न्यूरोटिसिज्म यानी मनस्तापिता। तो यहां पे हम ये चार, ये पांच बिग फैक्टर्स देखते हैं जो इस तरीके से हैं। खुलापन, संचेतना, बहिर्मुखिता, मानना और मनाना, एग्रीएबलनेस, मनस्तापिता, न्यूरोटिसिज्म। तो एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, ये हमारे पांच बिग फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। ये पांच बिग फैक्टर्स हैं। ये जो जो चित्र लिया है ये verywellmind.com की वेबसाइट से लिया गया है, तो इस चित्र का जो कर्टसी है वो उनके लिए रहेगा। अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस जो है वो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मानते हैं कॉस्टा मैक्री, वो मानते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंसेस के लिए खुले हैं तो आपका व्यक्तित्व विकास हो सकता है। सो यहां पर किसकी बात की जाती है? जो अपने आप में बंधे होते हैं, किसी एक विचारधारा में रूढ़ी हो जाते हैं, वो कभी भी ओपननेस नहीं कर पाते, अपने व्यक्तित्व को कभी आगे नहीं बढ़ा पाते और वो पिछलग्गू बन जाते हैं किसी एक विचार के। सो दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमेजिनेटिव, क्यूरियस, ओपन टू न्यू आइडियाज, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स। वे लोग जो इस कारक पर उच्च होंगे वो हमेशा कल्पनाशील होंगे, उत्सुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, नए विचारों के प्रति उदारता रखेंगे और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि लेने वाले व्यक्ति होंगे। इससे विपरीत दोज हु स्कोर लो आर रिजिड, इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अनमयता, रिजिडनेस पाई जाती है। अनमयता को ध्यान रखिएगा, रिजिडनेस, ठीक है, जिनमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम होता है वो कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं।
वहीं पर दूसरे व्यक्तित्व कारक की बात करें तो बहिर्मुखता एक्स्ट्रावर्जन, जिसके ऊपर जुंग और आइजिंक दोनों ने बात करी थी। सो इट कैरेक्टराइज पीपल हु आर सोशली एक्टिव, एजर्टिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड फन लविंग। इसमें जिसमें ये उच्च पाया जाएगा वो हम जानते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होंगे, आग्रही होंगे, बहिर्गमन रखेंगे, बातूनी होंगे और आमोद प्रमोद को पसंद करेंगे। वहीं जिसमें बहिर्मुखिता कम पाई जाती है वो शाई होते हैं, शर्मीले या संकोची होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कम खिलेगा, जबकि जो बहिर्मुखिता है उसका व्यक्तित्व ज्यादा खुलेगा, ज्यादा अच्छा बेहतर होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं सहमतिशीलता की, एग्रीएबलनेस की। सो द फैक्टर कैरेक्टराइजेस पीपल हु आर हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग एंड नर्चरिंग। उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने, पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। तो एग्रीएबलनेस एक जो हमारा सोशल इंडिकेटर है, सामाजिक संकेतक है, उसको बताता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक तौर पर विकसित तभी हो सकती है, हो सकता है व्यक्तित्व, जब सहमतिशीलता होगी, एग्रीएबलनेस होगी। ये दो तरह से निकलेगा, या तो लीड करेगा या फॉलो करेगा इंडिविजुअल, या तो व्यक्ति नेतृत्व करेगा, दूसरों को साथ लेके चलेगा, या फिर दूसरों के पीछे चलेगा यानी फॉलो करेगा। लेकिन इनमें भी हमें एग्रीएबलनेस देखनी चाहिए। इससे विपरीत, ऑन द अपोजिट, पीपल हु आर हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड, वे लोग आते हैं जो आक्रामक और आत्म केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो तंत्रिका तापिता, तो फिर एक और शब्दावली जो ली गई है आइजेंक से, पीपल हु स्कोर हाई आर इमोशनली अनस्टेबल, एनेक्शियस, वरीड, फियरफुल, डिस्ट्रेस, इरिटेबल एंड हाइपरटेंसिव। जो इसमें उच्च होंगे वो सांवेगिक रूप से अस्थिर होंगे, दुश्चिंतित होंगे, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त होते हैं। तो तंत्रिका ताप हमारे व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पहलू प्रदर्शित करता है। इसकी उच्चता हमेशा नकारात्मकता लेके आएगी, चिंता, अस्थिरता, भय, परेशानी, दुख, चिड़चिड़ापन, तनाव। तो इसको कम करने की आवश्यकता होती है। द अपोजिट पीपल हु आर वेल एडजस्टेड, विपरीत प्रकार के लोग सुसमायोजित होते हैं और आराम से समायोजन कर लेते हैं वो समाज में। फिर लास्टली जो हम बिग फैक्टर देखेंगे वो है अंतर्विवेकशीलता, कॉन्शियसनेस। दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्डवर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि उन्मुक्तता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आत्मनियंत्रण पाया जाता है। तो कॉन्शियसनेस चेतना के अधिक विकास को प्रदर्शित करता है। तो जो जितना विकसित, जिसकी चेतना जितनी विकसित होगी, विवेक जितना विकसित होगा, वो उतना बेहतर व्यक्तित्व रखेगा। ऑन द अपोजिट पीपल बिकम इंपल्सिव, इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों में आवेग पाया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको बिग फाइव फैक्टर थ्योरी समझ आई होगी। ये एक नया सिद्धांत है और आज के पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो हमारा एक स्ट्रीम है साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी, सकारात्मक मनोविज्ञान, उसमें एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है। और आजकल की जो दौड़ भाग भरी जिंदगी है उसकी समस्याओं को समझने में और अपने व्यक्तित्व को विकास करने में बहुत सहायता करती है। उम्मीद करता हूं ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे साथियों, जो इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।